हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, जो 34 नंबर ब्लाउज है। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, जो मैं बहुत ही इजी तरीके से बताने वाली हूँ। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट साथ में कट करने वाले हैं। जो अस्तर का है और ब्लाउज कपड़े का है, दोनों में मैं साथ में कटिंग करना बताऊंगी। इससे हमारा क्या होता है, ब्लाउज़ की कटिंग जल्दी होती है। तो इसे हम अच्छे से नाप ले लेंगे। हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में काटने हैं, इसलिए हमको जो फ्रंट पार्ट होगा उसको हाफ इंच लंबा ही रखना होगा। तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे और हमारे जो चेस्ट की नाप है वो है 12 इंच। तो इसको हम 12 इंच चेक कर लेते हैं, इसका चौड़ाई है या नहीं। तो इसकी नाप हमने ले ली है पहले से, तो इसकी 12 इंच बराबर है। तो इसको हम सब तरफ चेक कर लेते हैं, 12 इंच है। और अगर है तो हम निशान लगाकर इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। तो ये हम निशान लगा रहे हैं और निशान लगाने के बाद हमको ये पार्ट कट कर देना है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, वो आस्तीन के लिए काम आ जाएगा। तो चलिए इसको हम अलग कर देते हैं। तो इसको अलग करके हम किनारे रख देते हैं। फिर हम जो गले का निशान है वो लगाएंगे। गले का निशान हमारा है 2 इंच। 2 इंच पे हमें निशान, दो नहीं सॉरी 2.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। गले का निशान हमारा 2.5 इंच पे होगा और मुद्दे का निशान हमारा 6 इंच पे होगा। तो हमें गले का निशान को लगा देना है और इसकी लंबाई है हमारी 5.5। 5.5 पे हम निशान लगाने के बाद सीधा नाप ले लेंगे ये बराबर है या नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल 5.5 है। 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाए, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा 6 है। मुद्दे की नाप बहुत आसानी से मैं बता रही हूँ, ना कोई भी टफ पॉइंट नहीं बता रही हूँ कि आपको समझ में ना आए। तो ये है, तो हमें मुद्दे के नाप का भी चेक कर लेना है। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा के हमें बराबर कर देना है। और ये जो फ्रंट होगा, ये जो निशान होगा, जो मेन पॉइंट है ब्रेस्ट का, तो इसको हम 9.5 पे लगाएंगे और इसको हम 1/2 इंच जो इंची टेप का है उससे उसी के बराबर दूरी पर रखेंगे और हमें 9.5 पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 9.5 पे निशान होगा और 1 इंच ऊपर छोड़ना है हमको, 1 इंच हमें नीचे छोड़ना है। ये 9.5 पे है, मैं आपको पास दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो 1 इंच ऊपर निशान लगा देना है और 1 इंच नीचे निशान लगा देना है। इसको मैं ऐसे ही नाप लगा कर दिखा रही हूँ, मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, 1 पे है मेन पॉइंट, फिर 2 पे है और फिर 0 पे है। फिर इसको हमें सीधे निशान खींच देनी है। ये जो साइड वाली बेल्ट होती है हमारी, जो फ्रंट वाली, और ये जो मुड्ढे के नीचे आती है वो वाली। तो इसे हम सीधे निशान लगा लेंगे ऐसे करके। फिर ये हम जो मुड्ढे के नीचे वाली प्लेट है, इसको हम 6.5 पे रखेंगे। यहाँ से ही आपको नापना है, ऊपर से नहीं नापना, वरना उसकी भी हम मैं बाद में बता दूँगी। और यहाँ से मुझे 1 पॉइंट छोड़ना होगा, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने 1 इंच छोड़ा है, वैसे ही जो मुड्ढे वाली प्लेट होगी आपको वहाँ भी ऐसे ही 1 इंच छोड़ देना होगा। तो जो सीधी हमें रखना है यहाँ पॉइंट पे, फिर ये जो नोक है यहाँ पे, इसको दोनों बराबर करके रख देना है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और जो हम कटिंग करते हैं मुड्ढे की वो भी बहुत अच्छी आती है। ये हमें 1 इंच छोड़ दिया है, तो इसको हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे ताकि सिलने में हमको आसानी हो जाए। तो ये हमारा निशान लग चुका है। अब मुड्ढे की कटिंग का निशान लगाना है, जो हमें जैसे झोल आने लगता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। ये 1 इंच पे होगा और ये इसके जो बैक साइड वाला है उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे या 1 इंच एक्स्ट्रा, आपको जैसे अच्छा लगता है। तो इसको हमें गोल कर देना है और ये बैक साइड वाला, इसको भी गोल कर देना है। और हाँ, मेन बात ये है कि हमें साथ में इसको कटिंग नहीं करना है, पहले हम इधर वाला कट करेंगे। अब इधर गले का निशान लगा लेते हैं और इसको भी हमें साथ में कटिंग नहीं करनी है। तो ये जो मुड्ढे वाला है तो इसे हम पहले कट कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट का होगा उसे हमें बाद में कट करना होगा। ये बैक पार्ट का मुझे पहले कट कर लेना है।
अगर हम साथ में कट कर देंगे तो ख़राब हो जाएगा हमारा ब्लाउज, तो इसे हम बाद में ही कट करेंगे। तो पहले बैक साइड का ऐसे क्या होगा, मुझे बैक साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फ्रंट साइड को अलग करके हमें फ्रंट का जो मुड्ढा है उसको कट कर लेना होगा, जो गले के निशान को हमें अलग कर लेना होगा। तो चलिए फिर इसको अलग करके हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट अलग हो जाएगा, ये बैक साइड है जो मैंने निकाल के रख दिया, और ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ फ्रंट पार्ट है। तो अब चलिए ये मुड्ढे के जो निशान को मैंने लगाया था वो अलग कर लेंगे। ये हो गया फ्रंट पार्ट का, वो जो मैंने बताया था आपको, तो वो हो गया बैक पार्ट का। इससे हमारा क्या होगा, खिंचाव नहीं आएगा हमारे मुड्ढे में, और बहुत आसानी से हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको कट कर लेते हैं, और इसको कट करने के बाद हम जो गले के निशान को लगाए थे उसको अलग से कट कर लेंगे। ये हमें बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छे से आपको कैंची पकड़नी होगी, सीधे से काट कर लेंगे। और अब आपको हम ये जो निशान लगाए थे, अब बैक साइड में निशान लगाकर दिखा रहे हैं, निशान लगाकर आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको बैक साइड में, पहले फ्रंट साइड में लगा के दिखाया था, अब बैक साइड में जो फ्रंट पार्ट का सेकंड पार्ट है उसमें निशान लगाकर मैंने आपको दिखा दिया। ये निशान मैंने सीधी रखने के लिए किया है, ताकि हमारी जो कटिंग होती है तो उसको हम सीधा रख पाएँ। तो ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगी, आप कभी भी बताएं तो, जैसे मैं गले में तिरछा हो जाता है उसकी वजह से है वो। तो ये हमारा बैक साइड का, तो इसको हमको, हमने पहले ही निशान लगा लिया है, जो ब्लाउज के निशान, ब्लाउज का गला था उसी के बराबर का निशान है। और ये जो प्लेट पीछे की होगी उसको हम 4 इंच की दूरी पे रखेंगे, इसकी लंबाई होगी 5 इंच। तो ये देखिए, ये 4 इंच पे है, और इसको आप 5 भी रख सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं 4 इंच पे रखूँगी, और ये 5 इंच की लंबाई इसकी रखूँगी। तो इस पे ऐसे करके निशान लगा लेते हैं, और पीछे भी पलट कर इसके निशान लगा कर आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया पीछे के निशान। तो ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है, और देखिए कितनी जल्दी हमारा दोनों पार्ट साथ में कट हो गया था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये है साड़ी का कपड़ा, जो मुझे ब्लाउज का, मतलब अस्तर का था वो, अब ये मेन कपड़ा हमारा ब्लाउज का है। तो इस पे हम, इसमें भी यही खास बात है कि हमको दोनों साथ में कट करना होगा, और इससे हमारा टाइम भी बचता है, और जल्दी से हमारा ब्लाउज भी कट हो जाता है। ये बैक साइड है और वो फ्रंट साइड है, तो हमें फ्रंट साइड पे ही पलट कर काटना होगा। तो मैं जो ये ब्लाउज बना रही हूँ, तो ये जो पीछे का पार्ट है, जो पीछे का हिस्सा है, तो उसको मैं पलट कर बनाऊँगी, इसमें तुरपाई नहीं होगी, तुरपाई सिर्फ फ्रंट के पार्ट पे होगी। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना होगा, और ये जो बैक साइड का कपड़ा है इसमें हमें 1/2 इंच जो नीचे कपड़ा दिख रहा है आप लोगों को, वो हमें छोड़ देना होगा, वो इसलिए पलटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हमारा अस्तर का कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए फिर हमें नीचे का थोड़ा सा बड़ा पार्ट रख के अलग कर लेना है। और ये जो मैं अलग कर रही हूँ, ये हमारी जो हुक की पट्टी होती है, कांच की पट्टी होती है, तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ, इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता, और हमें एक, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो चलिए फिर, और ये जो बचे हुए पार्ट होंगे हमारे, तो वो आस्तीन में या आपको डोरी के लिए बनाना है, लटकन वगैरह उसमें काम आ जाए। चलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। तो इसको फोल्ड करके हमको 2 इंच या 1.5 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है। वो जो मैंने एक्स्ट्रा कट किया है वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा, इसको हमें बिल्कुल बराबरी से सीधे कट कर लेना है। आप देख रहे हैं जो बैक साइड बॉर्डर दिख रहा है वो हमारा 1/2 इंच है, ये 1.5 इंच या 2 इंच है। तो इसे हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, अलग करके हमें फोल्ड करके रख देना होगा। और जो आस्तीन की कटिंग होगी वो मैं जब स्टिचिंग का वीडियो बनाऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, क्योंकि हमारा कपड़ा छोटा है, तो हम जब स्टिचिंग करेंगे तभी वो बनेगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ पसंद, मतलब समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में
समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।